हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं बीसीओसी 138 के बारे में, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो जो भी बच्चे इग्नू से बीकॉम की स्टडी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि आपका सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली इग्नू के द्वारा चेंज कर दिया गया है, राइट? तो बीसीओसी 138 एक नया इम्प्लीमेंटेड सब्जेक्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको स्क्रीन पे पहले दिख ही गया होगा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं और इसको लाने की क्या जरूरत पड़ी, है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऐसे कौन कौन से लिमिटेशंस थे जिसके कारण से कॉस्ट अकाउंटिंग करने की जरूरत होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? तो बिना समय बर्बाद किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगा कि आपको अगर हमारे चैनल पे पूरी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे आपके बीकॉम से रिलेटेड, आपके बीसीओसी 131 से लेकर के 138 के जो दो पार्ट हैं वो भी, प्लस इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब के वीडियोस जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आपको हमारे बस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे आपको सर्च करना है। अभी तो बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोडेड नहीं है क्योंकि ये पहला वीडियो होने वाला है इस वाले सब्जेक्ट का, बट सूनर और लेटर मैं जल्दी से जल्दी मैं वीडियोस अपलोड कर ही दूंगा। तो आपको जो बस है हमारे चैनल पे बने रहना है। आपको हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हो, वेबसाइट पे आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सारी चीजें वहां पे भी रहेंगी। तो अगर आप वीडियो नहीं वॉच करना चाहते, आप अगर देखना चाहते हो, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो वहां से डायरेक्टली, वो भी एक पॉसिबिलिटी है हमारे चैनल पे, ठीक है? मैं सारी चीजें किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, बट फिलहाल मैं इस वीडियो को कवर कर लेता हूँ, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, राइट? तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलते हैं नीचे की तरफ। ये हमारा टॉपिक होने वाला है, देखो ये हमारा यूनिट वन है ना। यूनिट वन में नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंसेप्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, फिर मटेरियल लेबर है, यूनिट 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, फिलहाल हम करने वाले हैं ब्लॉक वन का यूनिट वन, है ना। यूनिट वन हमारा टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें जो हम करने वाले हैं वो होने वाला है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम करेंगे क्योंकि इसी के बेसिस पे कॉस्ट अकाउंटिंग को एक तरीके से हम पढ़ते हैं। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से फाइनेंशियल अकाउंटिंग उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं है और वहां पे फिर जो है खेल स्टार्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो ये क्यों इतनी रिलायबल नहीं है या फिर क्या इसमें प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि इट डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच डिपार्टमेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट और अदर यूनिट ऑफ एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आपको उस चीज में ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि आपको डिटेल जब आप ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन निकालोगे, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो, किसी प्रोसेस का हो, किसी प्रोडक्ट का हो या फिर किसी यूनिट का हो, तो आपको सारी चीजें वहां से जानकारियां आपको नहीं मिल पाएंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू। तो यहाँ पर जो है फिर प्ले करता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है कि आप प्रोसेस वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप निकाल सको और उसके बेसिस पे जो भी आपको डिसीजन लेने हैं वो आप ले सको। इट सिंपली प्रोवाइड्स, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं, ये वो बेसिसेस है जिसके बेसिस पे कॉस्ट अकाउंटिंग जो है एक तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। आपको अगर डिपार्टमेंट वाइज ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोसेस वाइज चाहिए, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग ही आपका हेल्प कर पाएगी। इट सिंपली प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर द एंटरप्राइज एज ए होल। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपका इनकम क्या हुआ, आपका एक्सपेंसेस कितना हुआ, आपकी एसेट और लाइबिलिटी कितनी हुई, बस ये ऊपर की सारी चीजें जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है। डिटेल्ड जो आपका फैक्ट्री में जो काम हो रहा है ना उसके बारे में कॉस्ट अकाउंटिंग ही आपको ठीक तरीके से बता पाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता पाती है। तो सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो ये रहा। दूसरा जो लिमिटेशन है, इट डज नॉट क्लासिफाई एक्सपेंसेस इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और फिक्स्ड एंड वेरिएबल, है ना। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं देखो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह के हो सकते हैं, है ना, फिक्स्ड भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन सा फिक्स्ड है या फिर कौन सा वेरिएबल है। तो हमें ये बात पता नहीं चल पाती। ये हमें बात कहाँ से पता चलेगी? ये बात हमें तब पता चलेगी जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। तो ये दूसरा इसका लिमिटेशन हो गया। द कॉस्ट आर नॉट असाइन टू द प्रोडक्ट्स एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सो एज टू ट्रेवल कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल आइटम्स। तो जब आपको कॉस्ट के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल करोगे, है ना, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप कॉस्ट कंट्रोल का तरीका नहीं अपना सकते क्योंकि यहाँ आपको इंडिविजुअली जो आपको जानकारियां चाहिए वो आप नहीं निकाल पा रहे हो। तो इस केस में जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, इट डज नॉट सेट अप अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ कंट्रोल ओवर द मेन एलिमेंट्स।
कॉस्ट ऑफ वेज मटेरियल एंड लेबर, है ना। तो जो मेन एलिमेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो प्रोडक्ट कोई बना रहा होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है मटेरियल लेबर, है ना। तो आप अगर इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप अगर इसके बारे में जानकारी नहीं रखोगे तो आपको दिक्कत होगी, राइट। तो इसके बारे में जानकारी हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं मिल पाती है। तो तीसरा जो लिमिटेशन है वो ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है प्रॉपर सिस्टम तैयार नहीं कर पाता जो कि कंट्रोल कर सके मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में, जो कि है मटेरियल और लेबर। हेंस द वेस्टेज एंड द लॉसेस ऑफ मटेरियल्स गो अनचेक्ड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर टाइम रिमेन्स अनकंट्रोल्ड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इंप्लीमेंट करने से क्या प्रॉब्लम होती है, आपका वेस्टेज और लॉसेज जो है मटेरियल्स का वो बहुत ज्यादा होगा, होगा भी तो आपको पता नहीं चल पाएगा। साथ ही साथ लेबर का जो टाइम है उसको आप ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे, ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे। तो ये एक इश्यू जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है। आई होप कि तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इट डज नॉट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स अगेंस्ट विच डिफरेंट कॉस्ट आइटम्स कैन बी कंपेयर्ड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो एक तरीके से किसी भी तरह का स्टैंडर्ड या फिर कोई नॉर्म्स नहीं क्रिएट करती है, जिसके कारण से जो डिफरेंट टाइप्स के कॉस्ट होते हैं उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। ये कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे, है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये स्टैंडर्ड या फिर नॉर्म्स आप सेट नहीं कर पाते जिसके बेसिस पे आप डिफरेंट कॉस्ट को कंपेयर कर पाओ। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ नंबर पॉइंट। इट डज नॉट, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूं, इट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक तरीके से आपको एडिक्वेट कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है जिसके बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन कर पाओ। आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो अपने बिजनेस में तो आप सोचोगे ना कि किस तरीके से मैं उसके प्राइस को एक तरीके से डिटरमाइन करूँ कि मेरा प्राइस क्या होगा भाई, हमारे प्रोडक्ट का क्या प्राइस होने वाला है, कैसे हम उसको चेक करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें पता नहीं चल पाती, हमें इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग ही करनी पड़ती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Now let's move on to the sixth number point, which is it contains historical cost information which is compiled at the end of the accounting period. Hence, it becomes difficult to compile cost data at frequent intervals. तो जो financial information जो हम create करते हैं वो देखना, आप जब आपका year end हो जाता है, जब आपका financial year या फिर जब आपका calendar year खत्म हो जाता है, तब आप जाके उसको एक तरीके से record, मतलब record तो पहले करते हो, but उसको summarize करने का काम, उससे result निकालने का काम जो आप साल के आखिर में करते हो। तो जब भी हम ऐसा करते हैं ना, तो हम कॉस्ट जो होता है हमारा उसके डेटा को हम कंपाइल नहीं कर पाते ठीक तरीके से, हम चेक नहीं कर पाते। तो ये एक और प्रॉब्लम है जो होती है। मैं फिर से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इट कंटेन्स हिस्टोरिकल डेटा। डेफिनेटली एक साल पहले का डेटा मैं वहां पे लिख रहा हूँ, छह महीने पहले का डेटा, सात महीने पहले का डेटा मैं वहां पे लिख रहा हूँ, तो डेफिनेटली हमको कंपाइल करने में जो होगी वो थोड़ी सी दिक्कत हमें आने वाली है, राइट। तो इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर कर पाना कॉस्ट डेटा को एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब सातवां और आखिरी पॉइंट हम कर लेते हैं। सिंस प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट एंड प्रॉफिट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स, द एनालिसिस ऑफ कॉज फॉर प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी इफेक्टिवली डन। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट और प्रॉफिट इन्फॉर्मेशन चूंकि आपके पास अवेलेबल नहीं है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स के थ्रू, तो आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आपका कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, किस प्रोडक्ट में आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है या फिर कहाँ पे आपको लॉस हुआ है, ये जानकारी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं मिल सकती है। तो यही एक प्रॉब्लम है, एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, जिसके कारण से फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पे थोड़ी सी फिसड्डी साबित होती है। तो प्रोडक्ट वाइज और प्रॉफिट इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होने के कारण आप एनालिसिस नहीं कर सकते आपके प्रॉफिट के क्या कारण है या फिर आपके लॉस के क्या कारण है। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर एट बेस्ट लाइक अ थर्मोमीटर व्हिच कैन ओनली इंडिकेट द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी बट कैन नॉट हेल्प डायग्नोसिस और कॉज एनालिसिस ऑफ इट्स हेल्थ, है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वैसे ही होता है जैसे कि एक थर्मोमीटर होता है जिससे जिसके जरिए आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, लेकिन इससे आप ये नहीं पता कर सकते कि आपका बॉडी का टेम्परेचर आखिर बढ़ा क्यों, मतलब आपकी प्रॉब्लम आखिर है क्या, आपको शरीर में क्या ऐसी इश्यूज हो रही हैं जिसके कारण से आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज जस्ट लाइक दैट। सो अगर आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अपर हैंड है कॉस्ट अकाउंटिंग का। सो दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, दैट एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। पसंद आया भाई तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।